जिले के आदिवासी बहुल ब्लॉक घनसौर में पटवारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों घनसौर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा के ग्रामीणों ने अनुभागीय अधिकारी घनसौर को आवेदन देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में जो पटवारी की नियुक्ति हुई है वह ना तो गाँव में किसानों से मिलता है, ना ही उनकी समस्याओं का समाधान करता है। दूसरी ओर वर्तमान में पदस्थ महिला पटवारी का कहना है कि उनकी ज्वाइनिंग अभी अभी हुई है और वह जान पहचान बनाने में लगी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह किसान वर्तमान में परेशान हो रहे हैं, उस तरीके के अगर हालात देखा जाए तो जिम्मेदारों की लापरवाही साफ उजागर होती है। बहरहाल अब देखना होगा ग्रामीणों की मांग प्रशासन किस तरीके से पूरी करता है। हाँ, ये बात सही है। मेरे गाँव से कुछ हितग्राही कुछ काम लेके जाते हैं तो कार्यालय में नहीं मिलती है, क्या रहती है कहाँ पता, ये मालूम नहीं। हाँ, यहाँ तो पानी की समस्या है तो वो तो असिंचित घोषित होगी ही। पटवारी को लेकर यही मांग हमारी कि वो महिला पटवारी भी शायद उसके उसे कार्यालय में काम दिया जाए, और वो जो पूर्व पटवारी थी संदीप हुई को वो हल्का नंबर पटवारी के लेके यह समस्या सर कि यहाँ वो कार्यालय में रहती नहीं, महिला पटवारी हैं। कई लोग गाँव के लोग जाते हैं कई समस्या लेके, वो ऑफिस में मिलती ही नहीं। हम लोगों ने इसके संबंध में SDM साहब को भी ज्ञापन सौंपा, जो पहले थे पटवारी संदीप उइके जी वो ही रहे या तो जी हमेशा मतलब उपस्थित रहे कार्यालय में, जिससे गांव वालों की समस्या हल हो सके। सर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने कार्यालय में भी रहती हूँ और अभी क्या है कि मेरी यहाँ पे नई नई ज्वाइनिंग है, तो अभी कुछ लोगों से मैं परिचित हुई हूँ और कुछ लोगों से नहीं हुई। मैं अभी यहाँ पे ग्राम में भी आती हूँ, ग्राम सभा में भी उपस्थित हुई, और जो लोग इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है वो अभी यहाँ पे उपस्थित भी नहीं। अभी थोड़े लोगों को जानना पहचानना बाकी है, उन लोगों से भी परिचित हो जाऊंगी। तो और ग्रामीणों का कहना है जो गिरदावरी की जा रही है वो एक जगह बैठ के की जा रही है, मतलब स्पॉट पे नहीं पहुंचा जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने स्पॉट पे पहुंच के भी गिरदावरी की।